Assalamualaikum, this is Mikrasif here. Welcome to another vlog. Welcome to my channel. Good morning to all. Hope so कि आप लोग जाओगे जिसके साथ होंगे खुशबाश होंगे. इसी बात के साथ दिन का आगाज करते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके आए. और आज करने को बहुत कुछ है. अभी मैं दिखाती हूँ कि बेबीज क्या कर रहे हैं, फिर खाना शाना करके ईजी होके फ्री होके फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए यहीं पास में. और फिर हम जाएंगे शाम को, गैदरिंग है, रेस्टोरेंट जाएंगे तो उसका भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी. तो दिन का अभी आगाज़ करते हैं, तो आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा. और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. सो लेट्स गो. अच्छा जी, तो बेबीज़ की एज़ यूजल रिमोट पर लड़ाई चल रही है. साइम ने माशाल्लाह अभी नया नया खड़ा होना सीखा है और उसको खुशी होती है कि मैं भाइयों के थोड़े मुकाबले में आ रहा हूँ. आहिल और ताबिश काफ़ी टाइम से खड़े होते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कोई चीज़ पकड़ के नीचे गिरा देते हैं. तो इनकी पहुँच से जो है हम कोशिश करते हैं थोड़ी दूर तक रहें चीज़ें. अच्छा, तो बेबीज़ खेल रहे हैं, इनका खाना बना लेते हैं. खाने में आज है कीमा, आलू और पास्ता. तो ये भी शौक़ से खाते हैं तो आज ये क्विक भी बन जाता है, तो ये बना लेते हैं आज. तो बेबीज़ को खिला के फिर आगे का देखते हैं फिर आज का क्या सीन है. और अभी हमने थोड़ा सा जाना है मार्केट में तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं. तो हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर, हमारे साथ जाएगा साइम क्योंकि बाकी दोनों बेबीज जो हैं वो सो गए हैं. और ये हैं जनाब, लेट्स गो. बाहर हो रही है सर्दी तो जल्दी जल्दी जाते हैं. जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं बाहर स्टोर पे और हमारे साथ हैं साइम क्योंकि बाकी दोनों बेबी सो गए हैं और बाहर ना सर्दी हो रही है. चलें. साइम हैप्पी हो गया कि मैं कहीं अकेला जा रहा हूँ, इसको स्पेशल फील हो रहा है. ओके, सो हेलो साइम. और अभी तो हम 2-3 मिनट के फासले पे जा रहे हैं लेकिन तीनों को लेके जाना तकरीबन 30 किलोमीटर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. तो अभी हमने शाम को जाना है ना वहाँ पे, शाम को जाना है या होटलिंग के लिए. तो आज की पार्टी तुम्हारे नाम बल्कि तुम्हारे सर पर. हाँ, पैसे कैसे ले आना सारे. डन हो गया. क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा है? किससे पाला पड़ा? बीवी से पाला पड़ा. ये जी इटालियन में कुछ लिखा है ये आपको समझ नहीं आएगी, चले अंदर चलते हैं हैप्पी शॉपिंग करने और कुछ देखते हैं अगर कुछ समझ में आता है. पहले चलते हैं कपड़ों वाली साइड पे. तो काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स आई हुई थी, कुछ मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें से ये फर वाला कोट आया हुआ था और कुछ इस तरह से थी, लॉन्ग कोट थे. ये जो चेक वाला है ये मुझे कुछ अच्छा लगा था. ये देखें, ये चेक करें, पहन के अच्छा लगेगा ये, है ना. चलो इसको देखते हैं अभी. अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाली लाइन में जो है वो 2 पीस हैं और शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं. और ये आजकल बहुत चल रहा है इस तरह का, मेरे पास जो है ना वाइट कोट भी है. ये जो साल लगा हुआ है मुझे शर्ट मिल गई ये वाली. अच्छा फाइनली इस तरह का जो है ना ब्लैक और वाइट कोट वो मैंने पहले लिया हुआ है तो इसको पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी से. और ये कुछ शर्ट्स हैं जो कि हैं अभी निकल नहीं रही. अच्छा रहने दे. अच्छा चले आगे, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. आगे की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. वैरायटी तो काफ़ी कुछ है. ये भी कुछ शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं. अभी जैसे यहाँ पे विंटर्स आया उसका ज़्यादा स्टफ़ लगा हुआ है और अभी आगे समर आ जाएगा. ये वाली शर्ट देखें इस तरह की, इसमें ब्लू भी थी, बहुत प्यारी हैं ये शर्ट्स ना. ये देखिए मैं आपको ब्लू भी दिखाती हूँ अभी, फिर इनमें से कोई एक डिसाइड करके पकड़ लेते हैं. आप बताएं आपको ये वाला कलर अच्छा लग रहा है कि ब्लू और ब्लैक. ये डार्क ब्लूश में था वीडियो में जो ब्लैक लग रहा है तो. अच्छा जी, अच्छा इस लाइन में जो है वो भी शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं. ये पल्स वाली हैं कुछ, ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट है ना. तो ये पीछे कुछ पल्स वाली हैं शर्ट्स वगैरह. तो अभी देख रहे हैं लड़की इनमें से कौन से वाली सिलेक्ट करते हैं. अभी मैं सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं आसिफ को दिखाऊँगी, फिर वो जो सिलेक्ट करेंगे वो लूँगी.
अच्छा यहाँ पे भी जो है ये देखें, ये एक स्वेटर है, ये भी नाइस है, अच्छी बनी हुई थी, क्यूट सी, कलर भी नाइस है और इसका स्टाइल भी अच्छा बना हुआ है। अच्छा ये भी रख लेते हैं, आगे देखते हैं, ये भी कुछ स्वेटर्स लगी हुई हैं, बट अब सीज़न जा रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है इतनी ज़्यादा लेके रखने के लिए, क्योंकि फिर यू नो घर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, नॉर्मल वेदर होता है, तो फिर बाहर जाते हुए पहनना होता है तो फ़ायदा नहीं है फिर। अच्छा ये ना बेबी गर्ल्स के कोट वगैरह थे, मुझे बहुत क्यूट लगे थे, वैसे मैंने लेना तो नहीं है किसी बेबी गर्ल के, लेकिन ये बहुत क्यूट क्यूट सी जैकेट और अच्छे स्टाइल में आए हुए थे। ये सारे बैग्स वगैरह लगे हुए हैं, ये भी मैंने नहीं लेने, ये सारे जो हैं नाइट ड्रेस हैं नहीं लेने, ये फ्लावर्स वगैरह हैं ये भी अभी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि रूम में काफ़ी कुछ लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए वैसे ही, तो ये भी जो हैं वो नाइट ड्रेसेस हैं और ये भी ये भी ये भी आगे चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं आगे क्या क्या है स्टोर में हमारी मर्जी का। अरे भाई सरप्राइज करते हैं, इकरा कम ऑन अच्छा ये हैं कुछ कार्ड्स वगैरह, इसमें हैं बर्थडे के एनिवर्सरी के, तो मैं सर्च करती मेरे टाइप का कुछ हो, बट इस पे जो है ना वो काफ़ी फ्लावर बलून्स और ये वो थे, तो मैं मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ शूज़ वगैरह हैं, ये देखें अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे ना, मज़े की है, ये लॉन्ग शूज़ और ये क्यूट सी जैकेट बनी हुई है, शॉर्ट जैकेट बनी हुई है, यहाँ से कुछ हमने सॉक्स वगैरह और कैप्स वगैरह लेनी है तो यहाँ से वो पकड़ लेते हैं फटाफट फिर चलते हैं। और आगे जो है वो मुझे एक स्टॉलर पसंद आया, वो है ब्लैक कलर में, ये है वो टू साइडेड है, एक साइड पे वाइट है और एक साइड पर ब्लैक है। अच्छा तो फिर आप शॉपिंग शॉपिंग करके चलो जी फिर चलते हैं घर, क्योंकि शाम के लिए फिर हमने तैयारी करनी है। ये साइम देखें बॉस बन के बैठा हुआ है विदाउट सीट और मज़े कर रहा है ये अपने, तो घर आ गए हैं जनाब, तो अभी चलते हैं ऊपर और बाकी जो दोनों बेबीज़ हैं वो भी जाग गए होंगे, खाना शाना खिलाते हैं उसके बाद शाम की तैयारी शारी करते हैं क्योंकि प्लान श्लैन बन गया है। ओके जी सो हमारा बन गया प्लान बाहर जाने का, तो बताएंगे आसिफ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, जा रहे हैं? मैं तो किसी को नहीं लेके जा रहा नहीं नहीं हमारा प्लान है, हम लोग जो है इटली में वो सर्च कर रहे थे कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो हमें मिल गया है, चले बताए मिल गया, बताए ना कहाँ पे मिला तो पार्टी दे कौन रहा है, मैं तो किसी को नहीं दे रहा, आसिफ दे रहे हैं हमको पार्टी, पेशे की पेशे कहते हैं किसको, फिश को कहते हैं, फिश पार्टी पे जा रहे हैं आज सारे, अभिष आएगी, हादी आएगा, सब कजन आएंगे, पुप्पू आएंगी, पुप्पा आएंगे और हम सारे साथ में होंगे, तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ओके सो लेट्स सी के अभी तैयार शायर होते हैं। अच्छा तो बेबीज़ के जो ड्रेस हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, ये बेबीज़ के गिफ्टेड ड्रेस हैं और जिन्होंने दिया उनका थैंक यू, आसिफ के कपड़े वगैरह भी मैंने निकाल लिए हैं और अब अपने निकाल लेते हैं, मैं ये पहनूंगी और बैग में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ग्रीन लूँ कि ये ग्रीन जो है वो इतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा मेरे ड्रेस के साथ, ब्लैक में अच्छा लगेगा। और ये जो ब्लैक पर्स है और वाइट शूज़ हैं ये आसिफ की तरफ से मुझे गिफ्ट में मिले हुए हैं, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, तो आज इनको वेयर करेंगे। मेकअप जो है वो डन हो चुका है, अभी क्लोथ्स वगैरह चेंज करते हैं और फिर आगे जो है हेयर्स वगैरह बनाते हैं, देखते हैं। मेरी फाइनल लुक है, ऊपर बाहर जाते हुए जो है वो ब्लैक कोट पहनेंगे और साथ में ये ब्लैक पर्स लेंगे और शूज़ मैंने पहन लिए हैं, ये बिल्कुल पूरे आए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी हेयर्स का कुछ करते हैं, मेरे ख्याल से कर्ल्स कर लेते हैं आज, थोड़ी सी लुक चेंज के लिए कर्ल्स करते हैं। वो ब्लैक कोट भी मैंने पहन लिया है, अभी मैं यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि कर्ल्स करूँ कि नहीं, क्योंकि कर्ल्स में टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि बेबीज़ को भी तैयार करना है, ये बेबीज़ के कपड़े हैं और बेबीज़ के पापा के, तो अभी देखती हूँ थोड़ा टाइम बच गया तो फिर कर्ल्स करूँगी। अच्छा तो कर्ल्स वगैरह मैंने डाल लिए हैं और सिर्फ आगे आगे डाले हैं, पीछे का टाइम नहीं था, सिर्फ जो फ्रंट पे हैं वही डाले, फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी तो फाइनल लुक देख लें, और मैं टोटल 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, इतनी जल्दी तैयार हुई, अभी ये फाइनल वॉक भी देख लें थोड़ी सी। सो गाइस हम लोग रेडी हैं पूरी फैमिली के साथ, आज कुदरती बात है पार्टी क्या है तो नींद भी बहुत सख्त आ रही है, मुझे तो वैसे ही यहाँ पर पेन चल रहा है सीरियसली, तो मेरा मूड था लेकिन एंड पर आकर मुझे नींद बहुत ज्यादा, पर अब रेडी हो चुके हैं, लेकिन तो सब रेडी हो चुके हैं, सारे मेहमान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जाने की तैयारी करते हैं, स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो।
ओए होए जनाब को देखें क्या लश पश तैयार हुए हैं, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और अब फाइनल वॉक हमारे चुन्नू मुन्नू के साथ। ये बाय 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 बाय। आइए भाई सब, आइए 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 आइए। ये सना एंड रिजवान चाचू चाची तैयार हैं। आए अम्मी जी, आप किस चीज़ का वेट कर रही हैं? आए पापा रह गए अभी पीछे, घर बंद करके आएंगे। ताबिश कहाँ है? और ये है जनाब बेबीज के चाचू, ताबिश को पकड़ा हुआ है इन्होंने। और इनकी भी रिसेंटली शादी हुई है जो आप पूछ रहे थे। सारा कुछ वाइंड अप करके फीडर बोल चुके हैं, बच्चों की ओरिजिनल खुराक भूल चुके हैं, तो अब वापस चले भेजे फीडर। चले भाई रेडी हैं सारे निकलने के लिए। ओके बाकी बातें चीते बाद में होती। और ये जनाब जाने से पहले पेट्रोल वगैरह फुल करवा लेते हैं। अभी रिजवान जो है वो पेट्रोल फुल करवा रहा है, फिर निकलते हैं। जनाब पहुंच गए हैं और बेबीज़ को जो है वो कैप और जो इनकी जैकेट है वो पहना दिया। और बेबीज़ पहनना नहीं चाह रहे थे, रोना डाल दिया इन्होंने कि कैप्स दे क्यों रहे हैं। तो मौसम जो है वो बहुत ही हसीन हुआ हुआ है, हल्की हल्की सर्दी है। हाय अब्रीस, कितना प्यारा पर्स लेके आई, जरा दिखाना अपना। बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू। और यहाँ जनाब मीटअप हो रहा है बेबीज का अपनी आपी अब्रिश के साथ। तो ये है बेबीज की फूफो, ताबिश के साथ। ये बेबी की दादो, ये बेबी की चाची, सबने ड्यूटी संभाली है। ये बेबीज के पापा जी हैं और ये दादा बाबू। ओके, ये पूरी फैमिली। ये अब्रिश, ये हादी। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट जिसका नाम है ताज महल। और ये इसका एंटीक सा डोर है, अंदर भी जो डेकोरेशन है वो काफ़ी एंटीक सी है। अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं कि क्या सीन है। अभी बेबीज़ को ज़रा अंदर कर लें। अभी सारी फैमिली जो है वो अंदर जा चुकी है और अंदर की जो डेकोरेशन है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो कुछ इस तरह से ताज महल कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसकी सारी डेकोरेशन जो है ना वो काफ़ी एंटीक सी है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये कुछ तबले टाइप रखे हैं और ये सुराही काफ़ी बड़ी रखी हुई है। और इसके नीचे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि क्या चीज़ रखी हुई है। ये सामने से कुछ इस तरह से है और काफ़ी सीटिंग का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए है। अभी ये देखें आगे, ये भी काफ़ी एंटीक। जी तो सबसे पहले मैं सर्व हुआ कुछ सॉस वगैरह, और ये है अचार और फिश क्रैकर सबसे पहले। अभी बाकी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, बाकी सब बैठे हुए अभी बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिकोर दिखाती हूँ इनका। और इनके चाचू जो हैं वो लास्ट में आए हैं पार्किंग करके। तो अब सारी फैमिली कंप्लीट है, अभी खाना शाना जो है वो स्टार्ट करते हैं फिर। और ताबिश जो है वो आज पहली दफ़ा बैठेगा बेबी सीट पर, तैयारी चल रही है। इसके दादा अबू और दादी अम्मा जो हैं इसको बिठाने की तैयारी कर रहे हैं और ये खुश है अपनी सीट में बैठ के। और बाकी जो दो इसके भाई हैं वो अपनी करेलों में एंजॉय कर रहे हैं फ़िश क्रैकर को। और एक ये है और ये है जनाब आहिल।
ओके, तो ये हूँ मैं, और अब आ जाएगी पेशे, इसको कहते हैं फिंगर फिश यहाँ पे, और बहुत 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 टेस्टी थी ये वाली। सबसे पहले सर्व हुई हमको ये, तो पहले ये इंजॉय करते हैं, उसके बाद में खाना जो है वो फिर बाद में इंजॉय करेंगे। ऊपर ये जनाब, हमने कहा थोड़ा खाने पीने के दौरान थोड़ा सा पोज शोज कर लिया जाए। ये माशाल्लाह से पूरी फैमिली बैठी हुई है और सारे अपने खाने पीने में मसरूफ हैं, और मैं ये दिखा रही थी आपको कि इसके नीचे, सुराही के नीचे ये पता है क्या है, जिससे मेरे ख्याल से वो चक्की पीसते हैं या घरों में आटा वगैरह निकालते थे पुराने ज़माने में, वो चीज़ रखी हुई है। ओके, तो खाना जो है वो आ चुका है, खाना शाना खाते हैं आप। मटन ये भी टेस्टी था, लेकिन इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था जितना हम लोग खाते हैं स्पाइसी, लेकिन ठीक था, मज़े का था, बट फिश बहुत मज़े की थी। ओके जी, सो खाना शाना खा लिया, बेबी जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं क्योंकि इनके सोने का टाइम हो रहा है, तो अभी चलते हैं घर, टाइम काफ़ी हो गया। ये बेबीज पैक हो गए हैं, कैप नहीं लेना चाह रहे क्योंकि इनको आदत नहीं है कैप्स की, कैप नहीं लेना चाह रहे। जी, सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप्स हो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं आप घर, और अल्लाह निगहबान, बाय बाय।